दोस्तों बिग बॉस 14 की जर्नी के दौरान जैस्मिन भसीन और रुबीना के रिश्ते कभी बनते कभी बिगड़ते रहे। बिग बॉस खत्म होते होते जैस्मिन और रुबीना के बीच की दुश्मनी काफी हद तक बढ़ गई। अब आलम यह है कि रुबीना जैस्मिन के बारे में और जैस्मिन रुबीना के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक फैन का सवाल रुबीना ने जिस तरीके से दिया है उसके बाद ये बात साफ हो गई है कि रुबीना जैस्मिन को अभी भी उतना ही पसंद करती हैं जितना वो पहले करती थी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर रुबीना दिले के विनर बनने के बाद एक सेशन रखा गया जिसमें हैशटैग आस्क रूबी था। इसमें जैस्मिन के एक फैन ने उनसे सवाल किया कि जैस्मिन भसीन के लिए एक लाइन में कुछ बताएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आप जैस्मिन का न्यू निकनेम जानती हैं जो कि ऑडियंस की तरफ से क्रिएट किया गया। इस पर रुबीना दिलैक ने नाओ देखा ना ताओ और जैस्मिन के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि इस फैन के सवाल के जवाब में रुबीना दिलैक ने जैस्मिन को वन लाइन में लिखा, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। जी हां दोस्तों, जैस्मिन की काफी तारीफ करती नजर आई है रुबीना दिलैक सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि रुबीना और जैस्मिन की शुरू में तो बहुत अच्छी दोस्त थी और दोनों की बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया दोनों के रिश्तों में तल्खियां आती रही। जैस्मिन के एविक्शन के बाद जब फिर से जैस्मिन ने एंट्री ली तो रुबीना ने हालांकि कोशिश तो की जैस्मिन से बात करने की, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी तो जैस्मिन के दिल में हमेशा के लिए रह गई और उन्होंने रुबीना से अपना रिश्ता ठीक नहीं किया। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पर रुबीना से जैस्मिन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने के जवाब में लिखा, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। जी हां दोस्तों, रुबीना जैस्मिन की तारीफ करती नजर आई है जिसके बाद फैंस का भी रिएक्शन आया है उनके इस कमेंट पर। आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रुबीना के इस कमेंट की काफी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे दिखावा भी बता रहे हैं। रुबीना दिलैक बिग बॉस 14 की ट्रॉफी जीत चुकी है और इसके बाद वो अभी भी चाहती है कि जैस्मिन के साथ उनके रिश्ते ठीक हो जाएं। अब देखना होगा कि रुबीना दिलैक के इस कमेंट पर जैस्मिन किस तरीके से रिएक्ट करती है, कि इन दोनों के बीच की दोस्ती वापस हो पाएगी या इन दोनों के बीच की तल्खियां यूं ही बनी रहेंगी।